न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसी भी समाज में प्रतिभावान बच्चों का अहम स्थान होता है, इसलिए ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई बेहद जरूरी है ताकि वे आगे बढ़कर समाज के साथ अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सके। राव इंद्रजीत सिंह आज रेवाड़ी में अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अग्रवाल भवन में नवनिर्मित प्रथम तल का उद्घाटन भी किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अग्रवाल समाज द्वारा शुरू की गई यह पहल बेहद सराहनीय है, जिसके लिए अग्रवाल सभा बधाई की पात्र है। वहीं उन्होंने प्रतिभावान बच्चों को भी सम्मानित करने के साथ बधाई दी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। गत आम चुनाव में उनकी खिलाफत करने वाले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद यादव को हरको का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह चुप्पी साध गए। वहीं बड़ौदा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया न देते हुए केवल इतना ही कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में क्या होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि जो भी बच्चे 90 फीसदी से अधिक हर साल करते हैं, बच्चों का रुझान बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। हर साल की जगह आज भी इस साल भी किया है, तो जो इन्होंने किया है उसके मैं आमंत्रित किया था, मैं मुबारकबाद देकर के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हर साल होता है। सर बेटा चुनाव में सर क्या रहेगा? सर वो तो समय बताएगा। चुनाव की खिलाफत करने वाले